Hey guys, welcome to another glorious day. Today we are going to be making something straight out of the James Bond movies. We are going to be making our very own smartphone controlled toy car. So let's get to it. कार नाम के zip फोल्डर को डाउनलोड करें नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिए हुए लिंक को खोल के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद links.txt फाइल को खोलें और फिर पहले लिंक को खोलें और Arduino 1.8.2 सॉफ्टवेयर को विंडोज के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और फिर ओपन करें अब सेकंड लिंक को भी ओपन करें ब्राउजर में Adafruit Arduino लाइब्रेरी को डाउनलोड करें एक्सट्रैक्ट और रीनेम करें फोल्डर को AF मोटर नेम से जो कि वेब पेज से भी कॉपी किया जा सकता है रीनेम किए हुए फोल्डर को माई डॉक्यूमेंट्स स्लैश अर्ड्रीनो स्लैश लाइब्रेरीज में कॉपी करें और अर्ड्रीनो सॉफ्टवेयर को ओपन करें लैपटॉप को Arduino सर्किट से कनेक्ट कर दें डेटा केबल की मदद से ओपन योर Arduino सॉफ्टवेयर एंड गो टू टूल्स डैशबोर्ड एंड सेलेक्ट द पोर्ट नंबर दैट योर Arduino इज कनेक्टेड टू code.txt फाइल को खोलें दिया हुआ कोड को कॉपी करें और पुराने कोड से बदल दें अपलोड बटन पे क्लिक करें और फाइल को सेव कर दें सर्किट को डिसकनेक्ट कर दें अपलोड पूरा हो जाने के बाद एक कनेक्टर और मोटर शील्ड को लें ब्लैक वायर को +5 टर्मिनल और ब्राउन वायर को ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट और सोल्डर कर दें
अब रेड वायर को 0 और ऑरेंज को एक नंबर टर्मिनल से कनेक्ट और सोल्डर कर दें। येलो वायर को हटा दें क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। कनेक्टर्स के एक्सेस पार्ट को काट दें। एक कनेक्टर को लें, ऑरेंज वायर को M2-B और येलो वायर को M2-A टर्मिनल से जोड़ दें। ब्लैक वायर को M1-B और रेड एंड ब्राउन को M1-A टर्मिनल से ज्वाइन कर दें। दूसरे कनेक्टर को लें और ऑरेंज और ब्राउन वायर को M4A टर्मिनल से ज्वाइन करें। रेड और ब्लैक वायर को M4B टर्मिनल से ज्वाइन कर दें। एक कनेक्टर को लें, उसमें से रेड, येलो और ऑरेंज वायर को निकाल दें। ब्लैक वायर को ग्राउंड टर्मिनल से जोड़ दें और ब्राउन वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। Arduino सर्किट को लें और मोटर शील्ड के साथ जोड़ दें। अब ब्लूटूथ मॉड्यूल को +5, ग्राउंड, 0 और 1 टर्मिनल के कनेक्टर से कनेक्ट करें। RF टॉय कार को लें और खोल दें। अब सारे सर्किट्स को डिस्कनेक्ट कर दें और बैटरीज को भी हटा दें।
मोटर शील्ड मोटर के कनेक्टर को कार के फ्रंट साइड फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड मोटर के कनेक्टर से जोड़ दें। मोटर शील्ड के मोटर 2 के कनेक्टर को कार के बैक साइड फॉरवर्ड स्लैश बैक मोटर कनेक्टर से कनेक्ट कर दें। मोटर शील्ड के मोटर 4 के कनेक्टर को कार के लेफ्ट राइट मोटर के कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दें। कार को असेंबल करें और कोशिश करें कि सारे वायरिंग और सर्किट्स को कार के अंदर ही फिट कर दें। ब्लूटूथ RC कंट्रोलर एंड्रॉयड ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करें और कार को कनेक्ट करें। HC06 ब्लूटूथ मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लें। ध्यान रखें, इसका पासवर्ड 0000 यानी 40 होता है। आप ड्राइव के लिए रेडी हैं। अब SJ कैम या GoPro या कोई भी ऐसा एक्शन कैम को बोनेट पे चिपका दें ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। इसके बाद लाइव वीडियो फीड का मजा लें। So in this project, we have used a toy car for demonstration. Here we have selected a RF toy car with moving left-right steering feature. After buying this car, we have replaced its RF circuit with our Arduino circuit. This car has two DC motors in the front and one in its rear side. In the front, the one motor is used for giving the car the direction, which is turning it left or right, and the second front motor and the rear side motor is used for driving the car in forward and backward direction. A Bluetooth module is used to receive command from the Android phone, and Arduino Uno is used for controlling the whole system.
We have also used a GoPro or similar kind of action camera, in this particular case an SJ cam, so that we can also get a live feed on our phone while making the car move. It's time for some fun facts! Most RC toys operate at either 27 MHz or 49 MHz. The pair of frequencies have been allocated by the FCC for consumer items such as garage door openers, walkie-talkies and RC toys. Advanced RC models such as the more sophisticated RC aeroplanes use either 72 or 75 MHz frequencies. Radio control has been around since the time of Nikola Tesla, who demonstrated a remote-controlled boat in 1898. I hope aapko ye video pasand aaya. Agar pasand aaya, to please subscribe, kare, comment and like, because it means a lot. Till next time, happy building!